हेलो दोस्तों, आज बनाएंगे बहुत ही टेस्टी और इजी रेसिपी। वीडियो को पूरा देखिएगा, रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। और मुझे सपोर्ट करने के लिए प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए बनाते हैं। एक कढ़ाही में मैंने 2 गिलास पानी डाल के रख दिया है गर्म होने को। गैस को ऑन करके हाई फ्लेम में कर दिया है जिससे पानी जल्दी से बॉयल हो जाए। पानी बॉयल होने लगा है, अब इसमें डालेंगे भिंडी। ये मैंने 200 ग्राम के आसपास एकदम मुलायम भिंडी छोटी छोटी धुल करके साफ कर लिया है। अब इनको इसी में डाल देते हैं। अब भिंडी को इसी पानी में 2 मिनट पकने देंगे जिससे भिंडी सॉफ्ट हो जाए, थोड़ी थोड़ी पक भी जाए। बहुत ज़्यादा देर तक नहीं पकाना है, केवल 2 मिनट पकाएंगे। जब भी भिंडी डालिए पानी एकदम उबलता हुआ हो। 2 मिनट में एक दो बार बीच में चला देंगे जिससे बराबर से पक जाए। 2 मिनट हो गए हैं, अब गैस को ऑफ कर देंगे। 2 मिनट से ज़्यादा बिल्कुल भी ना पकाइएगा, नहीं तो भिंडी फट जाएगी। अब पानी से भिंडी को निकाल लेते हैं, छन्नी से छान के निकालेंगे जिससे पानी नीचे रह जाए। अब भिंडी को पूरी तरह से ठंडा होने देते हैं। अब ये देखिए भिंडी ठंडी हो गई हैं, अब इनको आराम से छू सकते हैं। अब इनको काट के तैयार कर लेंगे। इनका ऊपर का हिस्सा निकाल देते हैं इस तरह से, दोनों तरफ से इस तरह से निकाल देंगे। अब सारी भिंडी को मैंने इस तरह से काट लिया है। अब इसमें डालेंगे 2 चम्मच बेसन, 2 चम्मच। अब भिंडी में बेसन को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब ये देखिए बेसन अच्छे से मिक्स हो गया है। अब गैस में एक पैन रखेंगे या फिर कोई कढ़ाई रख लीजिए। गैस को ऑन करके मीडियम फ्लेम में कर लेते हैं। अब इसमें डालेंगे सरसों का तेल 1 टेबल स्पून के आसपास। तेल मैंने डाल लिया है, तेल को गर्म होने देंगे। तेल गर्म हो गया है, अब कोट की हुई भिंडी इसमें डाल देते हैं। अब इनको लगातार चलाते हुए 5 मिनट भून लेना है। 5 मिनट भूनने से बेसन भी भून जाएगा और भिंडी जो थोड़ी बहुत कम पकी है और अच्छे से पक जाएगी। 5 मिनट हो गए हैं, भिंडी पक गई है और बेसन भी भून गया है। ये देखिए कलर बदल गया है। अब भिंडी को बाहर कर लेंगे। अब गैस में फिर से कढ़ाई रखेंगे। गैस को ऑन करके मीडियम फ्लेम में कर लेते हैं। अब इसमें डालेंगे सरसों का तेल 1 टेबल स्पून के आसपास। तेल को गर्म होने देंगे। तेल गर्म हो गया है, अब इसमें डालेंगे थोड़ी सी अजवाइन, 1 बारीक कटा प्याज, 5-6 कलियां लहसुन की, इनको मैंने ग्रेट कर लिया है, आप कूट के भी ले सकते हैं। अब प्याज को अच्छे से भून लेंगे। प्याज भुन गया है, कलर बदल गया है। अब इसमें डालेंगे टमाटर, 3 मीडियम साइज के टमाटर थे, इनको मैंने बारीक काट लिया है। टमाटर को थोड़ा सा मिक्स करेंगे। अब इसमें डालेंगे कुछ मसाले। गैस को लो फ्लेम में कर लेते हैं। 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच जीरा पाउडर, 1/4 चम्मच काली मिर्च पाउडर, थोड़ी सी मिर्च डाल लेंगे। मिर्च आपको अपने हिसाब से डालना है, जितना तीखा खाते हो। पीसी मिर्च की जगह आप कूटी लाल मिर्च डाल सकते हैं या फिर हरी मिर्च डाल सकते हैं। 1 चम्मच से थोड़ा सा कम डाल देंगे गरम मसाला। नमक डालेंगे स्वाद के अनुसार। अब फिर से गैस को मीडियम फ्लेम में कर लेते हैं। अब इनको लगातार चलाते हुए मसालों को अच्छे से भून लेंगे। पानी नहीं डालेंगे, टमाटर से जो पानी निकलेगा उसी से मसाले भून जाएंगे। टमाटर को अच्छे से मैश करते जाएंगे। अब ये देखिए मसाले अच्छे से भून गए हैं। ये देखिए तेल दिखने लगा है, टमाटर भी पिस गया है। अब इसमें डालेंगे भिंडी जो मैंने बेसन में भून के रखा था। थोड़ी सी डाल देंगे हल्दी पाउडर, मसालों के साथ ही डालना है, मैं पहले भूल गई थी। अब अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब ये देखिए अच्छे से मसाला और भिंडी मिक्स हो गई है। अब इसमें डालेंगे पानी, 1 कप पानी डाल देते हैं। गैस को मीडियम फ्लेम में ही रखेंगे।
पानी डालने के बाद अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना है, इसको गाढ़ा ही रखेंगे। अगर आपको पतला पसंद हो तो थोड़ा सा पानी और डाल सकते हैं। अब ये पक जाएगा। अब इसको ढक देंगे 5 मिनट के लिए, जिससे सारी सामग्री अच्छे से पक जाए। गैस को मीडियम फ्लेम में ही रखेंगे। 5 मिनट हो गए हैं, भिंडी को देख लेंगे। वाओ, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। ये देखिए, थोड़ा सा गाढ़ा भी हो गया है। भिंडी को मैंने बिल्कुल नए तरीके से बनाया है, मेरे तरीके से आप भी बनाइएगा, आपको भी बहुत पसंद आएगी। अब सारी सामग्री अच्छे से पक गई है, अब गैस को ऑफ कर देंगे। अब इसमें डालेंगे थोड़े से धनिया के पत्ते, अच्छे से मिक्स करेंगे। अब इसको रोटी, पराठा, पूड़ी या फिर चावल के साथ खाइए, मज़ा आ जाएगा। एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ।